सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं आज के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार कैसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो नया जो इवेंट आया है, जिसमें हमें वो जो M79 है उसका मतलब वो स्किन मिल रहा है। तो फिर उस स्किन को आप लोग कैसे ले सकते हो, मतलब इसके लिए आपको तो पता होगा कि 35 बोया की ज़रूरत है। तो कैसे कर सकते हो मैं वही बताऊँगा। तो यार बिना टाइम में वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं हूँ अयान, आप देख रहे हो नोब्रा गैंग। Let's begin. तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेक एंड गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, दबाओ वो जी के बेल आइकन को, उससे क्या होगा मैं जो लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा उन सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप लोग आकर देख भी लोगे। तो ये सारे जो मिशन्स हैं इनको कंप्लीट करने के लिए यार बहुत ही इजी है, आपको आप एकदम इजी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। बट वो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो रैंक मैच का है ना, आपको 35 रैंक है तो वो आपको प्ले करने पड़ेंगे और वो आप कर सकते हो, क्योंकि यार थोड़ा छुपना छुप छुप के कर सकते हो। पहली बात तो ये कि रैंक मैच जो है उसको थोड़ा छुप कर खेलो कम से कम, जिससे आपको माइनस ना हो। जैसे आप 25 के बाद, मतलब 25 जब एलिव हो उसके बाद आप लोग बाहर आओ, ठीक है। उससे क्या होगा आप माइनस नहीं खाओगे, और अगर आप लोग, क्योंकि यार उसके बाद तो आप सर्वाइव कर पाओगे फिर 25 होने के बाद भी, और अब आप लोग बच भी पाओगे। और अगर आप 25 होने के साथ साथ ही मर जाते हो तो फिर भी आपका ज़्यादा माइनस नहीं होने वाला। तो जो भी हो पहला है ये। और अभी बात करते हैं कि जो किल्स का है, तो वो जो किल का मतलब किल का है, तो वो किल का और जो M79 है उसका एक ही ट्रिक से दोनों काम होंगे, ठीक है। एक ही ट्रिक नहीं, मतलब एक में बात बताऊंगा, वो एकदम आपको फुल सुनना है, ठीक है, पूरा सुनना है आपको, ठीक से सुनना। क्योंकि ये यार ऐसे तो कोई ट्रिक नहीं है ये कि मैं आपको बताऊँ ये करो, इसको जस्ट सुनना है आपको। तो आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट यार क्या करना है, आपको फ्रेंड में एक कोई भी मतलब आपका अगर नूब का अकाउंट हो, ठीक है, मतलब एक गेस्ट अकाउंट खोल लेना नूब का। तो गेस्ट अकाउंट अगर हाँ, और अगर आपके पास पहले से एक गेस्ट अकाउंट है तो फिर आपको उसको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर पर जाना है। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद आपको वहाँ पर दिखेगा com.garena.msdk, ऐसा ही कोई एक फ़ाइल होगा, ठीक है। तो उस फाइल को आपको सबसे पहले डिलीट कर देना, आप लोग पास में देख सकते हो मैं जो कर रहा हूँ। तो वो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने अपने फ्री फायर को मतलब क्या करना है, अगर आपके पास दूसरा और एक मोबाइल है तो फिर यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है आप पास में बस वो उस वाले मोबाइल को रखना और उसको एक दूसरे में फ्रेंड बना लेना, ठीक है। आपको गेस्ट अकाउंट आशा करता हूँ क्रिएट करना आता होगा, तो गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद आपको जस्ट यार कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही दो अकाउंट्स बना लेने हैं, मतलब पहला तो आपका मेन अकाउंट तो होगा ही, उसके बाद और एक अकाउंट बना लेना है। उस अकाउंट को जब आप लोग बना लोगे तो उसके बाद आप दोनों को फ्रेंड करना है। फ्रेंड करने के बाद आपको उसके मतलब दोनों में इनवाइट करवाना है, ठीक है। इनवाइट करवा लोगे जैसे ही आपको, तो उससे क्या होगा आपको एकदम बॉट्स प्लेयर मिलेंगे, ठीक है। तो बॉट्स प्लेयर आपको जब मिलेंगे तो आप ऑब्वियसली यार बोया तो ला ही पाओगे, तो ऐसे आपको बोया लाना है, ठीक है। और आप लोग समझ ही सकते हो ना यार बॉट्स प्लेयर जैसे, यार ये गेम प्ले ही आप देख लो, ये गेम प्ले एकदम उस तरीके का ही है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा ही वो अकाउंट है और वो एकदम मतलब नया अकाउंट है, इसलिए मुझे मैंने इससे इन्वाइट किया और अभी देखो यार मुझे कितना बॉट्स प्लेयर मिल रहा है और मैं कितना किल भी कर रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है इसमें, ये आप किल करके बोया जब ला लोगे ना, तो और आप अगर अभी कहोगे कि वो जो अकाउंट है तो उसका क्या होगा, तो वो आप एक जगह खड़े कर कर रख देना, ठीक है। वो कोई नहीं, मैंने जैसे देख सकते हो वो मुझसे बहुत दूर था अकाउंट और किसी ने शायद उसको मार भी दिया, तो उसमें कुछ नहीं आता। और यहाँ पर जो आप डुओ स्क्वाड देख रहे हो ना, तो यार ये किल करना बहुत ही ईजी होता है, तो आप कर भी सकते हो, आप लोग समझ सकते हो यार बहुत ही ईजी हो रहा है, देख सकते हो। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, वेटरनल चैलेंज जो होते हैं ना वो भी आप लोग ईजीली कंप्लीट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो जो शॉटगन का जो वेटरनल चैलेंज था वो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, और उसके साथ लास्ट पर मैंने जो
गाड़ी से किल करने का था, वो भी मैंने कंप्लीट किया था, ठीक है। ये सारे मैंने कर लिए थे और इससे मुझे मेरा वेटरनल चैलेंज भी कंप्लीट हुआ और उसके साथ मुझे बोया मिला जिससे मैं बहुत आगे भी जा पाऊँगा और वहाँ से मैं किल्स भी कर पाऊँगा। और यार आप दिन में कितने मैच खेल सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खेलोगे उसके बाद उस अकाउंट में, मतलब जो आपका गेस्ट अकाउंट है उसमें बॉट प्लेयर्स देना बंद कर देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसके बाद एक नया मतलब फिर से आपको वो जो com.dts मतलब com.dos गैरिना का जो msdk का फाइल है उसको फिर से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको फिर से एक नया खोल लेना है गेस्ट अकाउंट। तो उससे जब आप लोग नया गेस्ट अकाउंट खोल लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको फिर से बॉट्स प्लेयर मिल जाएंगे, उसको भी आप लोग फ्रेंड में ले लेना, और एक ही प्रोसेस है। तो ये यार कोई ट्रिक नहीं था, ये बस नॉर्मल सी एक बात है, ये सबको ही समझ में आती है। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो पहले हमारे आज के वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि यार वो भी कंप्लीट कर पाए, और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।